हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन माई सेल्फ अमूल चौहान एंड आई एम हियर टू टीच यू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट बट मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के भी वीडियोज़ बनाए हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार वो भी देख लो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 12 इयर्स ऑफ टीचिंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट ओके तो मैंने उसके भी वीडियोज़ बना दिए एंड आई गारंट यू दिस वीडियोज़ विल हेल्प यू इन द एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया टू क्रिएट दिस वीडियोज सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोज ऑल्सो नाउ दिस ओके कमिंग टू द रेक्टिलीनियर मोशन दैट इज यूनिट नंबर फाइव और उसमें आज हम करने वाले हैं टाइप थ्री ओके हम करने वाले हैं टाइप थ्री तो टाइप वन आपको पता था टाइप वन क्या था अपना टाइप वन एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी ओके okay? और वो उसको हमने क्या किया था डिफ्रेंशियट किया था टू गेट द वेलोसिटी और अगेन डिफरेंशियट टू गेट द एक्सेरेशन टाइप टू में हमने देखा था कि ए इज द फंक्शन ऑफ टी तो देखो टाइप वन में हमने क्या किया था डिफ्रेंशियन और यहां पे हमने किया था इंटीग्रेशन ओके इंटीग्रेशन अब जो हम करने वाले हैं दैट इज टाइप थ्री ओके टाइप थ्री और यहाँ पे होगा ए इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा ए इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी तो ये कैसे स्लो सॉल्व करेंगे इसका फ्लो क्या रहेगा वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे ओके बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस टाइप वन एंड टाइप टू अंडरस्टैंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ओके और अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो ओके okay?

कंडीशन देखो क्या दिया है उन्होंने कंडीशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सी क्वेश्चन आर वेरी इजी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन वी कितना है मेरा ओके ओके okay? कब सो सो आई कैन से ठीक है और क्या निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे एक्स निकालना है ओके okay? फाइंड क्या करना है देखो यहाँ पे फाइंड

जब वेलॉसिटी आपका जीरो हो जाएगा, तो यहां ओके? आगे जाके जो हम सॉल्व करेंगे तो मुझे कुछ तो वेलॉसिटी और एक्स में कुछ तो इक्वेशन चाहिए तो मैं ये इजीली सॉल्व कर सकता हूं बिकॉज यहां पे देखो ये वेलॉसिटी मेंशन है एक्स मेंशन है यहां पे एक्स मेंशन है वेलॉसिटी मेंशन है तो मुझे इसको कुछ तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऐसे कि उसमें v और x आ जाए ठीक है तो देखते हैं कैसे करते हैं चलो सो so, फर्स्ट देखो a जो रहता है ओके okay, a जो रहता है वो क्या रहता है डीवी बाई डी टी डी बाई डी ये थोड़ा आप समझ लो बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं राइट साइड मैंने एज इट इज लिख दिया यहां पे अब मैं इसको क्या करूंगा आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी ओके मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी तो मेरा इक्वेशन देखो क्या होगा अभी डीवी बाई डी एक्स टू डी एक्स बाई डी टू माइनस अब यहां पर देखो अगर डी एक्स डी एक्स कैंसिल कर दे तो पे बचेगा डी वी बाई डी टी ओके तो कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट साइड रिमेन सेम एज इट इज लाइक डीवी बाई डी टी सिर्फ डीएक्स डी एक्स हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एड कर दिया okay? तो अब यहां पे देखो ये अगर टर्म मैं कंसिडर करता हूं लाइक डीएक्स बाई डी टी का जो टर्म है यहां पे आप थोड़ा ध्यान दो यहां पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सी दिस इज डी एक्स बाई डी टर्म ओके विच इज नथिंग बट नॉट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कहां पे टाइप वन में डीएक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वॉट वी क्योंकि टाइप वन में हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो डीएक्स बाई डी टी इज वी तो इसको मैं क्या लिखूंगा v और ये एज इट इज लिखूंगा तो यहां पे मेरा इक्वेशन बनेगा देखो कैसे v into dv by dx, which is equal to टू राइट साइड जो है वो एज इट इज लिख देंगे समझ में आ रहा है आपको ओके okay? तो यहां पे मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है सिर्फ dx dx यूज किया और फिर dx by DT का टर्म को मैंने v लिख दिया ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं और खत्म हो जाएगा दो मिनट में प्रॉब्लम अपना देखो अभी ये v v विल गेट कैंसिल्ड दोनों साइड से v v विल गेट कैंसिल्ड तो बचेगा यहां पे देखो क्या डी वी रख देता हूं मैं और डी एक्स को इस तरफ लेके जाता हूं तो माइनस जीरो पॉइंट फोर डी एक्स ओके तो यहां पे देखो आई हैव गॉट दिस इक्वेशन आई हैव वॉट गोट दिस इक्वेशन ये इक्वेशन मुझे मिला है दस so, वन अब इसको मैं क्या करूंगा यूज करूंगा अब देखो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही हमारे पास कंडीशन में v और x है यहां पे भी x है और v है और इस टर्म में मुझे क्या करना था इक्वेशन लाना था तो देखो मैंने अभी एक साइड पे v है और एक साइड पे x है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैं बाहर ले लेता हूं माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अब यहाँ पे मैं अल्टरनेट मेथड यूज करने वाला हूँ अर्लियर क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन किया था उस वक्त हमने कॉन्स्टेंट लेके सॉल्व किया था बट अब यहाँ पे लिमिट्स यूज करता हूँ देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है थर्टी टू जीरो हो रहा है करेंट थर्टी टू जीरो इनिशियली वेलोसिटी थर्टी है हमें डिस्टेंस निकालना है कब वैन वेलॉसिटी बिकम जीरो तो थर्टी से लेके जीरो तक वेलॉसिटी का चेंज हो रहा है तो मैं यहां पर लिख दूंगा देखो आई मेन्शन यूर थर्टी एंड हियर इट इज जीरो ओके ये यहां पे क्यों लिखा बिकॉज यहां पे वी टर्म आने वाला है अपना ओके okay? ठीक है और इस तरफ क्या है एक्स आने वाला है तो एक्स देखो इनिशियली क्या था जीरो है और ये हमें फाइंड आउट करना है तो यहां पे मैं जीरो लिखूंगा व्हेन वेलोसिटी इज तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है ये हमें निकालना है तो ऐसे मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दिए ओके okay? तो इसके आगे जाते हैं थोड़ा ओके सो विदाउट वेस्टिंग नाउ आई अप्लाई द इंटीग्रेशन तो यहां पर देखो क्या होगा अभी इसका इंटीग्रेशन तो वी आएगा और मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा इसको थर्टी टू जीरो पे इंटीग्रेशन आएगा एक्स दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर देता हूँ जो भी है यहां पे थर्टी टू जीरो है तो यहां पे थर्टी जीरो यहां पे है जीरो टू एक्स ओके अब बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है देखो यहां पे 0 है तो ये 0 बनेगा माइनस अब ये डालूंगा तो थर्टी हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट पहले एक्स दूंगा तो एक्स ही रहेगा बाद में 0, तो ओके ठीक है देखो एक एक वैल्यू पुट अप करना है ओके फाइनल लिमिट पहले माइनस इनिशियल लिमिट फाइनल माइनस इनिशियल ओके तो यहां पे क्या बचता है माइनस थर्टी इस साइड पे और इस तरफ आएगा मेरा माइनस जीरो पॉइंट फोर एक्स तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इट इज वेरी इजी माइनस माइनस विल गेट कैंसिल तो अब क्या बचा थर्टी एक तरफ और एक तरफ पॉइंट फोर तो एक्स का आंसर निकालना बहुत ही ईजी है यहां कैलकुलेट एक्स इजीली देखो यहां पर एक्स इज इक्वल टू थर्टी डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फोर ओके तो इसका आंसर मेरा आ रहा है इफ आई यूज कैलकुलेटर सो थर्टी डिवाइड बाय जीरो पॉइंट फोर सो सेवेंटी फाइव ओके सेवेंटी फाइव मेरा आंसर आ रहा है सो फाइनली आई एल राइट देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं आई एम गेटिंग एक्स ओके चाहे तो मैं ऐसे लिख देता हूं देखो यहां पे एट ओके वी इज इक्वल टू जीरो मतलब वेन पार्टिकल कम्स टू अरेस्ट ओके कब आ रहा है वेन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी फाइव एम एम आई गेस इन क्वेश्चन दे हाव मैं एम एम ओनली येस करेक्ट एम एम ओके सो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आ रहा है दैट इज सेवेंटी फाइव एम एम ओके दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बेसिक इंटीग्रेशन है तो प्लीज़ आप इसका प्रैक्टिस करो ओके एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज 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 आस्क इन द कमेंट बॉक्स Okay, and please like and subscribe my videos if you like the videos. Okay.